हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका कंप्यूटर का टर्न है, तो निकालिए अपनी कंप्यूटर की बुक ई कनेक्ट और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3 का पार्ट सेकंड। तो पेज नंबर 28 में बच्चों आज हम पढ़ेंगे मूविंग फाइल और अ फोल्डर। जब हमें कोई फाइल या फोल्डर अपना मूव कराना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो हम उसका कैसे यूज करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए आपको जरूरी है कि आप दो टर्म्स के बारे में समझें, कटिंग और पेस्टिंग। कटिंग का मतलब कोई चीज वहां से हटा देना, कट कर देना, और पेस्टिंग मतलब जो चीज हमने कट करी है उसे कहीं और लगा देना या उसको कहीं और पहुंचा देना। तो याद रखेंगे, कटिंग का मतलब कोई चीज हम वहां से हटा लें किसी जगह से। जैसे कि सपोज करो ये इतने सारे फोल्डर है बच्चों, ये इसमें से जो ये डिक्शनरी फोल्डर है, अगर मैं इसको कट कर लूं तो ये यहां से अब हट जाएगा और मैं दूसरा कोई मतलब एप्लीकेशन खोलूं, या ये लोकल डिस्क एफ खुल रही है आपकी, मैं लोकल डिस्क एफ की जगह मैं लोकल डिस्क जी में इसे अगर पेस्ट कर दूं तो अब ये लोकल डिस्क जी में पहुंच जाएगी, अब ये यहां से हट जाएगी। तो कट पेस्ट का मतलब ये होता है। इसको करने के लिए अब आप कैसे करेंगे, टू कट अ फाइल और फोल्डर, फर्स्ट सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर एंड देन चूज वन ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपको फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज मेन्यू, सेलेक्ट द कट फंक्शन। उस पर जब आप यहाँ पर जो भी फाइल या फोल्डर आपने सेलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ ऑर्गेनाइज मेन्यू पर जाइएगा, इसमें कट का ऑप्शन आएगा, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर जब आपने इसे सेलेक्ट करा, उसके बाद आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एक्स दबा देंगे, ये शॉर्टकट होता है कट का, कंट्रोल प्लस एक्स दबा देंगे तो अपने आप कट हो जाएगा। क्लिक ऑन द सेलेक्टेड आइटम विद द राइट माउस बटन एंड सेलेक्ट कट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है कि जो भी चीज आपने सेलेक्ट करी उस पर राइट क्लिक करेंगे माउस से, राइट क्लिक में एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पर कट का ऑप्शन होगा, कट पर दबाएंगे तो वो चीज आपकी कट हो जाएगी। अब टू ब्रिंग बैक द फाइल्स और फोल्डर्स इन न्यू लोकेशन, नेविगेट टू द न्यू लोकेशन देन पेस्ट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। फिर अब आपने जहां पर भी उसे अब आपको लगाना है, डेस्कटॉप पर लगाना है, जहां पर भी लगाना है वहां पर आप जाएंगे, और वहां पर जाकर या तो आप राइट क्लिक करेंगे अपने माउस के बटन से और पेस्ट ऑप्शन है उसे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, या फिर पेस्ट का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस वी है, ये दबा देंगे आप तो, या फिर ऑर्गेनाइज बटन में ऊपर वहीं ऑर्गेनाइज होगा, वहां जाएंगे और वहां पर पेस्ट का ऑप्शन है, वहां पर पेस्ट करके आप पेस्ट कर देंगे। तो तीन ऑप्शन है, कट के भी और पेस्ट के भी, ये आप कर सकते हैं बच्चों। अब है कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। अब कॉपी का मतलब क्या है, कॉपी का मतलब जैसे आप फोटोकॉपी करते हो तो फोटोकॉपी में क्या होता है, एक चीज की दो बन जाती है उसी के जैसी, इसी तरीके से कॉपी में है। सपोज करो मुझे एक फोल्डर है, वो मुझे अपने कंप्यूटर में भी रखना है और मुझे अपनी पेन ड्राइव में भी रखना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने कंप्यूटर में से वो फोल्डर कॉपी करूंगी, अपनी पेन ड्राइव में उसे पेस्ट कर दूंगी। तो कॉपी पेस्ट से क्या होगा, अब वो मेरे कंप्यूटर में भी रहेगा और मेरे पेन ड्राइव में भी रहेगा। अगर मैं कट पेस्ट करती तो वो मेरे कंप्यूटर में ना रहता, कंप्यूटर से कट करके अगर मैं पेन ड्राइव में पेस्ट कर देती तो केवल पेन ड्राइव में रह जाता। तो कट पेस्ट का और कॉपी पेस्ट का अंतर है। तो कॉपी करने के लिए हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे बच्चों, जो भी फोल्डर हमें फाइल सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट करा पहले एक बार क्लिक करके, उसके बाद या तो ऊपर जाकर ऑर्गेनाइज में हम कॉपी कर लेंगे, या फिर हम कंट्रोल प्लस सी, जो कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस सी, वो दबा देंगे, या फिर उस फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करके कॉपी सेलेक्ट कर लेंगे। तो तीन तरीके हैं, वही तरीके हैं, फिर वो कॉपी हो गया। फिर पेस्ट का तो बच्चों सेम ही रहेगा, जहां पर भी हमें पेस्ट करना है या तो कंट्रोल प्लस वी या ऑर्गेनाइज में जाकर पेस्ट कर देंगे, या राइट क्लिक कर पेस्ट कर देंगे उस लोकेशन पर। अब है क्रिएटिंग शॉर्टकट्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स का जब हम शॉर्टकट बनाते हैं तो वो कैसे हम बनाएंगे। शॉर्टकट बच्चों लिंक होते हैं जो हम किसी भी लोकेशन पर डाल सकते हैं, जिससे कि कोई भी पर्टिकुलर फाइल पे हम एकदम से पहुंच सके। तो ये आपको याद रखना है। तो किसी भी फाइल या फोल्डर का हमें अगर शॉर्टकट बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो फाइल या फोल्डर है उसको क्लिक करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे तो उसमें एक आता है ऑप्शन, देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें एक ऑप्शन है क्रिएट शॉर्टकट। जब हम क्रिएट शॉर्टकट पर दबाएंगे तो हमारा मतलब शॉर्टकट खुल जाएगा, और उस पर अब शॉर्टकट का हमें नेम भी रखना है। तो शॉर्टकट का नेम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम जहां हमारा शॉर्टकट क्रिएट हुआ है उस पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ दिख रहा है रीनेम, रीनेम पर क्लिक करके उसका नाम टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, और हमारा जो शॉर्टकट है उसे हम किसी भी लोकेशन तक लेकर जा सकते हैं, ड्रैग करके यानी उठाकर उसे कहीं भी लेकर हम जा सकते हैं। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है, इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी, आपको करनी है और
कॉपी में आपको केवल क्वेश्चन आंसर्स करने, एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो बच्चों यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।